ओम शांति। आज है 21/3/19 के साकार महावाक्य। प्यारे प्यारे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, प्राण दान देने वाला बाप है। वह नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। प्रश्न है, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? उत्तर है, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा नॉलेज का दान ऐसे देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। ओम शांति। भगवानुवाच, सालीग्राम समझते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। बच्चे जानते हैं, वही सृष्टि के आधी मध्य अंत को जानते हैं। बच्चों को अब कोई नई बात नहीं लगती, समझ में आ गया है। मनुष्य तो सब भूले हुए हैं। जिसने पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। तुमको पढ़ते पढ़ते ये बात सिद्ध करनी है। भारत के शास्त्रों की ही बात है और धर्म के शास्त्रों की नहीं। मूल ही भारत के शास्त्रों की है। तुम्हारे सिवाय ये बात और कोई सिद्ध नहीं कर सकता। बच्चे जानते हैं, ये अनादि ड्रामा है, फिर भी रिपीट होगा। तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है। सतयुग है सुधरी हुई नई दुनिया और कलयुग है अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया। ये भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो और धारण कर समझाने लायक भी बनते हो। इसमें बड़ी रिफाइननेस चाहिए। बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं, सुधारते हैं। बाप कहते हैं, जब तुम सुधर जाते हो फिर मुझे सुधारने की जरूरत नहीं रहती। तुम अन आर्य बन पड़े थे, अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। सो तो सतयुग में ही होंगे। वह सब सुधरे हुए थे, अब अन सुधरे उनकी पूजा करते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि हम उनको क्यों सुधरेले कहते हैं। है सब मनुष्य जो सुधरेले आ रहे थे, वही सब अनसुधरेले बने हैं, आर्य और अनआर्य। बाकी वह जो आर्य समाज है वह मठ पंथ है। ये सब झाड़ से क्लियर समझ सकते हैं। ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसकी आयु 5000 वर्ष है। इसका नाम कल्प वृक्ष है, परंतु कल्प वृक्ष अक्षर से मनुष्यों की बुद्धि में झाड़ नहीं आता है। तुमको झाड़ के रूप में समझाया है। वह कह देते कल्प लाखों वर्ष का है, बाप कहते 5000 वर्ष का है। और कोई कितनी आयु सुनाते, कोई कितनी, पूरा समझाने वाला कोई है नहीं। आपस में कितना शास्त्रवाद करते हैं, तुम्हारी तो ये रू रिहान है। तुम सेमिनार करते हो, इसको रू रिहान कहा जाता है।
प्रश्न उत्तर समझने के लिए ही करते हैं। बाबा जो कुछ तुमको सुनाते हैं, उससे ही टॉपिक निकाल तुम सुनाते हो। वो लोग क्या सुनाते हैं, ये भी तुम जाकर सुनो, फिर आकर सुनाना चाहिए कि इस प्रकार का वाद विवाद चलता है। पहले तो ये समझाना है कि गीता का भगवान कौन। भगवान बाप को भूलने कारण बिल्कुल चट खाते में आ गए हैं। तुम बच्चों का तो बाप से लव है, तुम बाबा को याद करते हो। बस बाबा ही प्राण दान देने वाला है। नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जो क्या से क्या बन जाती है। तो बाप पर लव रहना चाहिए। बाबा हमको ऐसी ऐसी नई बात सुनाते हैं। हम श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं, वह कुछ देता ही नहीं। श्री नारायण को याद करते हैं, याद करने से कुछ होता है क्या? हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए। देवताएं कितने सॉल्वेंट थे, अब सभी आर्टिफिशियल चीजें हो गई हैं। जिसका दाम नहीं, उनका आज दाम हो गया है। वहां अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं, सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता हूँ, तुमको ऐसी नॉलेज देता हूँ जिससे तुम्हारा भंडारा भर जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज ही सब कुछ है। इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो, पढ़ाई का भंडार है ना। वह टीचर्स पढ़ाते हैं, उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। इस पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये समझने में टाइम लगता है, जल्दी कोई समझ न सके। फोटो में कोई निकलता है, आधा कल सभी मनुष्य एक दो को गिराते ही आए हैं। चढ़ाने वाला एक बाप है, बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। कहते हैं भगवान वाच पढ़ा कर गए, फिर उनका कोई शास्त्र रहता नहीं। सतयुग में कोई शास्त्र है नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। कितना बड़ा झाड़ है। भक्ति की ये अनेक टाल टालियां ना हो तो झाड़ का नाम भी ना रहे। ये सब धारणा करने की बातें हैं, तुम धारणा करते हो। पढ़ाने वाला तो पढ़ा कर गुम हो जाता है, पढ़ने वाले आकर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी नई बातें हैं, एक भी बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं है। स्टूडेंट भी तुम सब नंबरवार हो, कोई पास होते कोई फेल होते। ये है बेहद का बड़ा इम्तिहान। तुम जानते हो हम अभी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ने वाले ही ऊंच पद पाते हैं, नंबरवार सब जाएंगे। सारा क्लास ट्रांसफर होता है, नंबरवार जाकर बैठते हैं। ये ज्ञान भी आत्मा में है। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है, शरीर तो मिट्टी है। आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती। 100% सतु प्रधान और 100% तमो प्रधान कौन है, ये भी तुम समझते हो।
पहले तो गरीबों को उठाना पड़े, वह पहले आएंगे। गुरुओं के भी अच्छे अच्छे अनन्य शिष्य जब आएंगे, तब उन सबकी बुद्धि खुलेगी, देखेंगे ये तो हमारे ही पत्ते निकलते जाते हैं, यहाँ के जो होंगे वह तो निकल आएंगे। बाप आकर नया झाड़ शुरू करते हैं, जो और धर्मों में जाकर पड़े हैं वह सब लौटेंगे, फिर भी अपने भारत में ही आएंगे। भारतवासी ही थे ना, हमारी डाल के जो है वह सब आ जाएंगे, आगे चलकर तुम सब समझते जाएंगे। अब बाहर से सबको धक्का मिलता जाता है, जहां जहां बाहर वाले हैं उनको भगाते रहते हैं, समझते हैं ये बहुत धनवान हो गए हैं, यहाँ वाले गरीब हो गए हैं। पिछाड़ी में सबको अपने अपने घर में जाना होता है, आखिर सब अपने अपने घर तरफ भागेंगे। विलायत में कोई मरता है तो उनको भारत में ले आते हैं, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि। भारत में ही नई दुनिया थी, इस समय इसको वॉइसलेस वर्ल्ड नहीं कह सकते, ये है विशिष्ट वर्ल्ड, इसलिए बुलाते हैं। हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। भल दुनिया तो यही है, परंतु इस समय दुनिया में कोई पावन तो है नहीं। पावन आत्माएं मूल वतन में है, वे है ब्रह्म मह तत्व, सब पावन बनकर वहां जाएंगे, फिर नंबर वार आएंगे पाठ बजाने। आदि सनातन देवी देवता धर्म का ये फाउंडेशन है, फिर तीन ट्यूब निकलती है, ये तो देवता धर्म है, ये कोई ट्यूब नहीं है। पहले ये फाउंडेशन, फिर तीन ट्यूब्स निकलती है। मुख्य है चार धर्म, सबसे अच्छा धर्म है ये ब्राह्मण धर्म, इनकी बहुत महिमा है। हीरे जैसा तुम यहाँ बनते हो, बाप तुमको यहाँ पढ़ाते हैं, तो तुम कितने बड़े हो, देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो, वंडर है ना। हम जो नॉलेज लेते हैं वे हमारे साथ चलते हैं, फिर वहाँ नॉलेज को ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो हम क्या पढ़ते थे, अब हम क्या पढ़ते हैं, ICS वाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं, फर्क तो है ना। आगे चलकर तुम बहुत नई पॉइंट सुनेंगे, अभी नहीं बताएंगे, पाठ ही आगे सुनने का है, बुद्धि में रहता है। नॉलेज का पाठ जब पूरा होना होगा, तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे, फिर हमारा पाठ स्वर्ग में शुरू हो जाएगा, उनका पाठ पूरा हो जाएगा। बुद्धि में बहुत अच्छी तरह धारणा चाहिए, सिमरण करते रहो, बाप को याद करते रहो, याद नहीं होगी तो कम पद पाएंगे। बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा। सन्यासी भी इस अवस्था का अभ्यास करते करते शरीर छोड़ देते हैं, परंतु उन्हों का रास्ता अलग है, इसलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। फॉलोअर्स समझते हैं वे ब्रह्म में लीन हो गया, फिर वापस आ नहीं सकता। बाप समझाते हैं वापस कोई भी जा नहीं सकते। पिछाड़ी में सब एक्टर्स जब स्टेज पर आएंगे, तब फिर घर जाएंगे। वह है हद का विनाशी नाटक, ये है बेहद का अविनाशी नाटक।
तुम अच्छी तरह समझा सकते हो, ये ड्रामा जू मिसल चलता है। वह तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं, झूठी फिल्म बनाते हैं, उनमें थोड़ी अच्छी बातें होती हैं, जैसे विष्णु अवतरण दिखाते हैं। ऐसे नहीं ऊपर से कोई उतर आता है, लक्ष्मी नारायण पाठ बजाने आती है, बाकी ऊपर से कोई नहीं आती है। अब तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, तब ये बातें तुम सब समझ सकते हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, जब बाप ने समझाया है तब तुम्हारे कपाट खुल गए हैं। इतना समय जो कुछ सुना वह कोई काम का नहीं था और ही गिरते गए, इसलिए तुम सबसे लिखवाते हो। जब लिख कर देवे तब समझा जाए कुछ बुद्धि में बैठा है। बाहर से आते हैं फॉर्म भराते हैं तो मालूम पड़े हमारे कुल का है। मूल बात है बाप को जानना, समझे कि बरोबर कल्प कल्प बाप हमको पढ़ाते हैं। ये पूछना है कब से पवित्र बने हो, जल्दी नहीं सुधरते, घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती है, देखती है कच्चा है तो हप कर लेती है। कई महारथियों को भी माया हप कर गई, शास्त्रों में भी मिसाल अभी के है, मंदिर में भी घोड़े सवार महारथी प्यादे आदि दिखाते हैं। तुम अब अपना यादगार देखते हो, जब तुम बन जाएंगे तो भक्ति उड़ जाएगी, तुम किसको माथा नहीं देख सकते हो। तुम पूछेंगे ये कहाँ गए, इनकी बायोग्राफी बताओ। बाबा ने तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है, तब तुम पूछते हो तो नशा रहना चाहिए। पास विद ऑनर 8 होते हैं, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। अपने को देखना है, हमारी आत्मा पवित्र बनी है, बैटरी भरेगी तब जब योग होगा। बाप से योग होगा तो सतो प्रधान बनेंगे, तमो प्रधान आत्मा वापस नहीं जा सकती है। ये भी ड्रामा है, वहाँ दुख देने वाली कोई चीज नहीं है। गाय भी सुंदर है, कृष्ण के साथ गाय कितनी सुंदर दिखाते हैं। बड़े बड़े आदमी का फर्नीचर भी सुंदर, गाय अच्छा दूध देती है, तब तो दूध की नदियाँ बहती हैं, अब यहाँ नहीं है। अभी तुम नॉलेजफुल बन गए हो, इस दुनिया को तुम तुच्छ समझते हो, इनका सारा किचड़ा स्वाहा हो गया है, फिर सारा किचड़ा निकल सब स्वच्छ बन जाएंगे। हम अपनी राजधानी में जाते हैं, उनका नाम है स्वर्ग, सुनते ही खुशी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी न दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है, अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है। दूसरी पॉइंट है, आपस में रू रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं। नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है। आज का वरदान है स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है,
बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। आज का स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है।